सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केबल टीवी के बारे में ही। और आज का वीडियो बेसिकली रहने वाला है वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के ऊपर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केबल टीवी ऑपरेटरों के साथ खड़े रहने के लिए दिया है संदेश। पूरी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, आप न्यूज़ कटिंग देख ही पा रहे होंगे, ये जो कलकत्ता के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने केबल टीवी ऑपरेटरों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा से पहले मुख्यमंत्री टीवी ऑपरेटर के साथ बैठक करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और कोलकाता वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडबैंड एंड केबल टीवी ऑपरेटर्स के हाल ही में हुए 12वीं वार्षिक समारोह में मुख्यमंत्री ने फ़ोन पर बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर केबल ऑपरेटर को स्वास्थ्य साथी कार्ड मिले। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास भविष्य योजना भी है जिसके तहत सरकार 5 लाख रुपए का अनुदान दे सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन पैसों से ग्रामीण इलाकों के बिजनेस की आवश्यकता है। इस मौके पर कोलकाता के मेयर बाकी लोग उपलब्ध हैं। केबल टीवी कंपनियाँ भी इस बिजनेस में फिलहाल शामिल है और लगभग 5 लाख केबल ऑपरेटर और इनके साथ करीब 50 लाख जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, हम एक ऐसी नीति बनाएंगे जिससे किसी बड़े ऑपरेटर से आने के बाद छोटे ऑपरेटरों को काम बंद नहीं होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। हम अंबानी अडानी को नहीं ला सकते हैं, मैं गरीब लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो कुल मिलाकर इस तरीके की चीज़ें आई है सामने दोस्तों। अब ये देखना होगा कि जो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, केबल टीवी के ऑपरेटर और उनके हित में किस तरीके की चीज़ें लेकर आएंगे, ये तो आने वाले वक्त में बताया जाएगा। फिलहाल जो न्यूज़ में जो आया है उसके बिहाफ पे बताया गया है कि दुर्गा पूजा तक वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री केबल ऑपरेटरों के साथ कोई मीटिंग करके आगे की परियोजना बना सकती है, किस तरीके की चीज़ों को संभाला जा सके। ये अपडेट आई थी छोटी सी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक्स लॉट।